हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। कृषि पे हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। कृषि पे जो भाई बहन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी बीपीएससी 2.0 या 3.0 में जो भी पूछा गया सवाल है दोस्तों, सब आपका 9 to 10 से क्वेश्चन उठाया गया है ज्योग्राफी में दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने साथियों के बीच शेयर भी कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आपके फायदे के लिए ये स्टार्ट किया गया दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिए। आज हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है। चलिए थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है दोस्तों। भारत कैसा देश है? कृषि की दृष्टि से दोस्तों तो एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है दोस्तों। कितनी जनसंख्या है? 2/3 दोस्तों। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया दोस्तों। कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक दोस्तों, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है दोस्तों, जो हम लोग खाते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय हो गया, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है दोस्तों। देखिए, क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग के नाम बता सकते हैं? देखिए, कृषि के प्रकार दोस्तों, कृषि हमारे देश की प्राचीन और आर्थिक क्रिया है दोस्तों। कृषि जो है हमारे देश की प्राचीन और आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में समर्थन परिवर्तन हुआ है दोस्तों। विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है, समर्थन नहीं, सार्थक परिवर्तन दोस्तों हुआ। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं दोस्तों। चलिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि देखिए दोस्तों। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जिस तरह हम एनसीईआरटी आप लोगों को रीड करके दिखा रहे हैं दोस्तों, बता रहे हैं आपको, इस तरह यूट्यूब पर कहीं भी नहीं बताया जाएगा दोस्तों। सिर्फ कुछ फैक्ट को देख के क्वेश्चन बता दिया जाएगा, बस हो गया, एनसीईआरटी खत्म। बस इसी तरह पढ़ाया जाता है, देखिए इतना भी यूट्यूब पे देखिएगा, लेकिन हम आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। यह कृषि देखिए, यह कर्तन एवं दहन प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? स्लेश एंड बर्न, देखिए इसको समझिए, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लेश एंड बर्न कृषि है दोस्तों। किसान जीवन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि की उत्पादकता कम होती है दोस्तों। इसमें इस प्रकार की कृषि की उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। झूम कृषि के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, जो जहाँ पे वन काटता है और उसके बाद एक दो तीन फसल उगाया दोस्तों, उसके बाद फिर उस धरती को छोड़ के फिर दूसरी जगह वन काटा, फिर वहाँ पे काट के जलाया, फिर उस जगह मृदा उपजाऊ हुआ, कुछ दो तीन फसल वहाँ पे उगाया, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह बना, इसी को हम झूमिंग कृषि कहते हैं दोस्तों। स्थानांतरित विश्लेषण वर्ण कहते हैं।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों, देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड दोस्तों। फिर ये राज्य को याद रखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड दोस्तों, में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, पामलू दोस्तों, याद रखिएगा मणिपुर में पामलू कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। VVI एकदम इसको सीधा VVI लिखिए सब दोस्तों। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में से दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दीपा कहते हैं। चलिए झूम, झूम कर्तन दहन प्रणाली है दोस्तों। झूम कैसा प्रणाली, कर्तन दहन दोस्तों, स्लेश एंड बर्न किसी है, किसी को मेक्सिको, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलपा कहा जाता है। देखिए झूम जो है कृषि दहन प्रणाली, कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, मिलपा कहते हैं दोस्तों। आप वेनेजुएला में, वेनेजुएला में कुनको कहते हैं, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, कुनको दोस्तों, वेनेजुएला में। अब ब्राजील में रोका दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाला ये सवाल है दोस्तों, VVI है ध्यान रखिएगा। कुनको, वेनेजुएला में कुनको कहते हैं, ब्राजील में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, रोका कहते हैं। अब मध्य अमेरिका में मोसोल कहते हैं, मध्य अफ्रीका में दोस्तों मोसोल, और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में देखिए लदांग कहते हैं, इंडोनेशिया में कहते हैं लदांग दोस्तों। अब वियतनाम में रे कहते, रे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर से एक बार इसको याद कीजिए, झूम कर्तन दहन प्रणाली, कृषि को मेक्सिको में और मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलपा कहते हैं, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलपा कहते हैं, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलपा दोस्तों। वेनेजुएला में कुनको कहते हैं, वेनेजुएला में कुनको, वेनेजुएला में इसे कुनको कहा जाता है, वेनेजुएला में इसे कुनको कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मोसोल कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में क्या कहते हैं, मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। रटिए दोस्तों, वियतनाम में रे कहते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, बेवर दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पोडू, यहाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों, वहाँ दो से तीन बार रिपीट कर देंगे, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, पोडू दोस्तों, अथवा पेड़ा भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा भी कहते हैं। उड़ीसा में दोस्तों इस खेती को पामा डाबी कहते हैं, उड़ीसा में क्या कहते हैं, पामा डाबी दोस्तों, या कोमान कहते हैं, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान, पामा डाबी या कोमान उड़ीसा में कहते हैं। बरिंगा, बरिंगा दोस्तों पश्चिम घाट में कहते हैं, कहाँ कहते हैं, पश्चिम घाट में बरिंगा कहते हैं। देखिए उड़ीसा में पामा डाबी, कोमान या बरिंगा कहते हैं, उड़ीसा में दोस्तों तीनों नाम जो है उड़ीसा में। आप पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहते हैं, पश्चिम घाट में क्या कहते हैं, इसे कुमारी दोस्तों, पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में से वालरे कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से वालरे कहते हैं, वालटेरे, वालरे या वालटेरे, वालरे या वालटेरे। हिमालयन क्षेत्र में इसे खील भूमि कहते हैं, हिमालयन क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, खील भूमि, हिमालयन क्षेत्र में खील भूमि। झारखंड में से कूर्बा, झारखंड में से क्या कहते हैं, कूर्बा दोस्तों, झारखंड में कूर्बा कहते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश में, उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रदेश में से क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, सब VVI था दोस्तों, इसको दो से तीन बार आप वीडियो बैक करके देखिए दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 110% पड़ेगा दोस्तों, 110% गारंटी है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। चित्र पॉइंट वन देखिए, इस तरह खेती हो रहा है। रिंझा, रिंझा दोस्तों असम में, असम में दीफू, रिंझा असम में दीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ, रिंझा नाम की व्यक्ति है दोस्तों, असम में दीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है, और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती थी। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है, और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? चलिए देखते हैं। गहन जीविका कृषि है दोस्तों, कैसी थी, गहन जीविका कृषि उसे बोलते हैं।
इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है दोस्तों। अश्रम श्रम गहन खेती भी कहते हैं दोस्तों। श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बताएं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? देखिए, भूस्वामित्व ने विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिताजी को 10 बीघा था, आपके बेटे हुए दो उनको 5-5 बीघा हुआ, फिर उनके दो बेटे हुए उनको 2.5 बीघा हुआ दोस्तों। इस तरह आपका घटते जा रहा है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का जो आकार है घटता जा रहा है और लाभप्रद होता है। छोटा जोत हो जाता है दोस्तों, जोतने उतने भी दिक्कत होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। लाभप्रद होता हो रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अंतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है दोस्तों। वाणिज्यिक कृषि देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि चलिए देखते हैं। इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है दोस्तों। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है और उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, जो परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो उड़ीसा में क्या है, जीविका फसल मतलब खाने की फसल है, खाने के लिए बनाता है, और पंजाब और हरियाणा दोस्तों इसे बेचने के लिए दोस्तों बाजार में। क्या आप ज़्यादा मात्रा में बचता है दोस्तों, वाणिज्य फसल में आ गया हो। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? चलिए देख लेते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है दोस्तों। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर और गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 4.0 है दोस्तों। भारत में दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि है दोस्तों, केला की रोपण कृषि यहाँ पे हो रही है दोस्तों। उत्तर पूर्व में बांस की खेती देखिए दोस्तों, बांस की कृषि यहाँ उत्तर पूर्वी भारत में हो रहा है। फिगर को देखिए और समझिए, उत्तर पूर्व भारत में ये किया जा रहा है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। सच प्रारूप दोस्तों आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। और इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं दोस्तों, जो इस प्रकार हैं, रबी हो गया, खरीफ आपका हो गया, जायद दोस्तों। रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी फसल हैं दोस्तों। यद्यपि ये फसलें देश के
विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर उत्तरी पश्चिम उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में दोस्तों शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब हो गया हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए खरीफ फसलें हम लोग देखते हैं। खरीफ फसल देश के विभिन्न देशों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें देखिए। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें होगी आपका चावल मक्का ज्वार बाजरा तूर दोस्तों जिसे अरहर कहते हैं, फिर मूंग हो गया उड़द हो गया आपका कपास जूट मूंगफली और सोयाबीन दोस्तों, ये फसलें शामिल हैं खरीफ फसल में दोस्तों। फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए एक बार, कौन कौन सी है? चावल है मक्का ज्वार बाजरा तूर अरहर मूंग उड़द कपास जूट मूंगफली और सोयाबीन दोस्तों। चावल की खेती मुख्य रूप से असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरल और महाराष्ट्र विशेषकर कोकण तटीय क्षेत्रों में दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है दोस्तों। असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की तीन फसलें हैं दोस्तों। देखिए असम में आपका ओस है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अमन है और उड़ीसा में आपका बोरो है दोस्तों, बोरो बोई जाती है। वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। असम में ओस है, पश्चिम बंगाल में अमन है, उड़ीसा में बोरो है। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज खरबूजे खीरे और सब्जियों और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग एक वर्ष लगता है दोस्तों। देखिए यहाँ यहीं से क्वेश्चन बीपीएससी 2.1 और 1.0 में और 3.1 में भी पूछा गया है दोस्तों कि गन्ने की खेती को तैयार होने में कितना समय लगता है। ऑप्शन दिया गया था कपास दिया गया था, फिर आपका मक्का दिया गया था, मतलब बहुत दो तीन ऑप्शन था, इसमें गन्ना भी दिया गया था। जो आप सभी कपास को लगा दिए थे लेकिन गलत हो जाएगा, वो आपका नहीं होगा। एक साल देखिए गन्ने की फसल को तैयार होने में पककर एक वर्ष लगता है, तो अगर महीना रियल में पूछा जाए तो 18 महीना लगता है, 16 से 18 महीने के बीच लगता है। चलिए हम लोग मुख्य फसल लगभग एक वर्ष मान लीजिए मुख्य फसलें देखते हैं। मिट्टी जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद और खाद फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल गेहूं मोटे अनाज दालें और चाय और कॉफ़ी है दोस्तों। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन है? चावल गेहूं मोटे अनाज दालें चाय कॉफ़ी गन्ना तिलहन कपास और जूट इत्यादि है दोस्तों। चावल देखिए, चावल भारत में अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है? खाद्यान्न दोस्तों। हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल कृषि की चावल की कृषि देखिए दोस्तों किस तरह हो रही है। धान की बुआई है, ये लगा हुआ है धान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैप देखिए दोस्तों, भारत में चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए प्रमुख क्षेत्र दोस्तों, आइए गौण क्षेत्र मतलब दोस्तों जहाँ चावल की खेती नहीं होती है। प्रमुख क्षेत्र में जो ये सब रीजन एरिया जो देख रहे हैं आप लोग,
ये सब जो देख रहे हैं एरिया, इस समय दोस्तों आपका चावल उगाया जाता है। देखिए ये समय आपका चावल भरपूर मात्रा में उगाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं साथियों। आप लोगों को देखने में जो दिक्कत नहीं हो, उत्पादक देश देखिए दोस्तों, उत्पादक देश यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 डिग्री सेल्सियस से 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पानी की उपलब्धता उतना नहीं होता है, वहाँ से दोस्तों मोटर पंप से पानी दिया जाता है इसमें, उसके बाद उगाया जाता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल का फसल देखिए, मैदान में कटाई के लिए तैयार हो गया ये फसल दोस्तों, पक रहा है दोस्तों। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है दोस्तों। गेहूँ देखिए, गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है दोस्तों, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप, रबी फसल को उगाने के लिए साथियों शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। 50 से 75 सेमी दोस्तों देश में गेहूं की खेती देखिए दोस्तों, अभी कटाई के दौर चलेगा गेहूं का दोस्तों, पकने के अवस्था में अभी गेहूं प्रेजेंट में है दोस्तों। ये सब देखिए गेहूं की किस तरह पौधा होता है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर देख लेते हैं। गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, उत्तर पश्चिम में जो है गंगा सतलुज का मैदान है, और ढक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश दोस्तों, जिसे देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं दोस्तों। मोटे अनाज देखिए, जिसे मिलेट्स कहते हैं, मोटे अनाज में दोस्तों ज्वार आता है आपका, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं दोस्तों। कौन कौन है मोटे अनाज में दोस्तों, मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, और भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ये, यद्यपि मोटे अनाज कहा जाता है परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है दोस्तों। पोषक तत्व की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है ज्वार, बाजरा, रागी में दोस्तों। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा रागी में दोस्तों प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है दोस्तों। ज्वार जो है देश की क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है आपका देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है। यह फसल जो है वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आंध्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है ज्वार के दोस्तों, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश और MP है दोस्तों। देखिए बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है बाजरा को दोस्तों। बाजरा को कैसे उगाते हैं, उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है दोस्तों। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य दोस्तों। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है।
रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए कर्नाटक हिमाचल। रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं दोस्तों कौन कौन है, कर्नाटक हिमाचल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम हो गया झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों रागी की खेती की जाती है इस इन राज्यों में। दोस्तों मक्का की खेती देखिए, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होता है। यह एक खरीफ फसल है दोस्तों। मक्का कैसी फसल है, खरीफ। दोस्तों देखिए ये आपका बाजरे की कृषि है। दोस्तों बाजरे देखिए किस तरह होता है, आप लोग देख लीजिए बाजरे, नहीं देखे होंगे तो देखिए बाजरे किस तरह की खेती होती है, जिसे बड़ गहूँ कहते हैं देसी भाषा में दोस्तों, उसे हम लोग बाजरे बोला जाता है उसे दोस्तों। चलिए हम लोग भारत में गेहूं के इम्पोर्टेंट राज्य देखते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ उगाया जाता है। प्रमुख गेहूं उत्पादन देखिए दोस्तों, जो रेड कलर का है अगौन क्षेत्र, इस सब राज्य में दोस्तों गेहूं नहीं उपजाया जाता है, जो ये सब तो दिखा रहा है आपका जो गेहूं उत्पादन राज्य है। देखिए ये सब जो है गेहूं उत्पादक राज्य है, जो बहुत मात्रा में यहाँ गेहूं उपजता है दोस्तों, ये सब राज्य। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ भी उपजता है, इसमें कुछ मात्रा में इधर दोस्तों कुछ मात्रा में गेहूं उपजता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मक्का जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और दोस्तों पुराने जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार उगाई जाती है। बिहार में जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है दोस्तों। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज उर्वरकों और सिंचाइयों के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है दोस्तों। जैसे कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। देखिए मक्का यहाँ पे पक गया दोस्तों, रेडी हो रहा है मक्का की कृषि देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, दालें दोस्तों, दालें जो है भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है दोस्तों। उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी देश है दोस्तों। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। तूर दोस्तों जिसे अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखता है दोस्तों। लेकिन अरहर जो है दोस्तों वो आपको भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता नहीं है दोस्तों, ये इसे बाहर से इसे खाद यूरिया डीएपी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में ये सहायक नहीं है दोस्तों। देखिए बोल दिया गया है कि अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, अतः इन फसलों में आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग दोस्तों में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। चलिए खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें देखते हैं हम लोग। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है दोस्तों। कैसी फसल है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। चलिए आगे देखते हैं, तापमान और 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आंध्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा ब्राजील के बाद भारत जो है दोस्तों गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी और गुड़
और खांडसारी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बीबीआई लाइन है दोस्तों, ये भी ध्यान रखे, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। चलिए देखिए, गन्ना यहाँ लगा हुआ है दोस्तों, किस तरह से लगा हुआ है थोड़ा देखिए आप लोग, गन्ने की कृषि देखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तिलहन दोस्तों, तिलहन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है दोस्तों, दूसरा है। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था दोस्तों, तोरिया के उत्पादन में। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी दोस्तों, बिनौला भी हो गया, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद हैं दोस्तों, खाद्य फसल हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन और प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए, मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से, चलिए आगे, आधा भाग इसी फसल से पूरा होता है दोस्तों। देखिए मूंगफली यहाँ रेडी है दोस्तों, देखिए देखिए मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों दोस्तों, सरसों इधर है, सूरजमुखी आपका इधर है और मूंगफली जो है इधर है दोस्तों, देखिए कवर रहा है मूंगफली दोस्तों। प्राप्त होता है और गुजरात आधा प्राप्त होता है दोस्तों। गुजरात मूंगफली के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के लिए अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। 1920 अलसी, 2019-20 के डाटा के हिसाब से दोस्तों, अलसी और सरसों रबी की फसल है दोस्तों। अलसी और सरसों जो है किसकी फसल है, रबी की दोस्तों। और तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही, अरंडी जो है दोस्तों खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है अरंडी दोस्तों। चाय की किसी देखिए दोस्तों किस तरह ऊंचे बगानों पर होती है, ये हम लोग पहले इसे कंप्लीट करते हैं उसके बाद उधर देखेंगे चाय की खेती किस तरह होती है। चाय देखिए, चाय की खेती रोपण कृषि है दोस्तों। चाय की खेती कैसी है, रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जो जिसे शुरुआत में अंग्रेजों भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोस्तों, चाय का पौधा जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा को वर्षा की बौछारों इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम साधन उद्योग है दोस्तों, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय की मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु
और केरल, केरल है दोस्तों। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक राज्य देश था दोस्तों। इस पॉइंट को फिर से रिपीट किया जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से दोस्तों। चाय एक श्रम उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बगान में ही संसाधित की जाती है और चाय में के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं दोस्तों। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है, लेकिन सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। चलिए, पॉकेट बुक बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिक्स 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इधर देखिए दोस्तों, चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं दोस्तों, चाय की पत्तियों को श्रमिक महिलाएं चुन रही है दोस्तों। और चाय की किसी देखिए किस तरह जमीन पे होता है दोस्तों, ढलानू जमीन पे दोस्तों। देखिए कॉफी देखिए दोस्तों, भारत में कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों। भारत कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। VBI पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे नोट कीजिएगा। और कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ी, इसकी कृषि की शुरुआत जो है कहाँ से हुई, बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है दोस्तों। इसलिए बागवानी फसलें हम लोग देखते हैं। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों का उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है दोस्तों। भारत तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक भी है। देखिए भारत फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम और नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु के केले दोस्तों, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय में अनानास की खेती होती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब दोस्तों, और नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सब कहाँ होते हैं, कश्मीर में दोस्तों। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा फिगर भी देखिए, अखरोट है ये जो दोस्तों दिख रहा है, ये आपका अखरोट का है और ये आपका सेब है दोस्तों। सेब देखिए टूट रहा है बगान में से दोस्तों, बगीचा से। इधर देखिए, इधर अनार आपका टूट रहा है। देखिए देखने में आनंद आएगा दोस्तों, मन प्रफुल्लित हो जाएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का मटर, फूलगोभी और प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है दोस्तों। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। चलिए देखते हैं हम लोग।
सब्जियों की किसी देख रहे हैं दोस्तों। देखिए इधर मटर है, इधर फूलगोभी है दोस्तों, इधर आपका टमाटर है दोस्तों, और इधर आपका बैंगन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और खाद फसलें जैसे देखिए दोस्तों, और खाद फसलें रबर जो है दोस्तों, रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आंध्र जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है दोस्तों, जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है दोस्तों। क्रियाकलाप देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप में हम लोग चलिए देखते हैं उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो रबर से बनती है और हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए रिश्तेदार फसलें देखिए दोस्तों, कपास, जूट हो गया, सन हो गया, कपास आपका है, जूट है और सन दोस्तों। प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य रिश्तेदार फसलें हैं दोस्तों। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा जो रेशम है वो कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है दोस्तों। VBI सवाल है दोस्तों, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कपास की खेती। देखिए कपास की कृषि किस तरह होती है दोस्तों, देखिए कपास किस तरह फूल पे लगा हुआ है दोस्तों, यही कपास है आपका। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कपास। देखिए कपास भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास के पौधे को भारत में मूल स्थान दोस्तों, मतलब यहीं का जन्मा हुआ ये पौधा है दोस्तों। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है दोस्तों। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान पर दोस्तों कपास में भी 2017 के डाटा के हिसाब से दोस्तों। ढक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई दोस्तों 210 डिग्री पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे देख लीजिए दोस्तों किस तरह कपास उगाया जाता और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है दोस्तों। कपास को पककर तैयार होने में कितने महीने लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं दोस्तों पककर तैयार होने में कपास को दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। चलिए जूट देखते हैं। जूट जो है दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। VBI पॉइंट है दोस्तों, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आए नई मिट्टी जमा होता है दोस्तों। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और पश्चिम बंगाल, बिहार और असम और ओडिशा तथा मेघालय में जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी और तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है दोस्तों।
और संस्थागत सुधार देखें। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कैसे है? जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन में प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि जो है कृषि का विकास अवरुद्ध होता जाता है तथा इसकी गति मंद होती जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है और 60% से भी सात प्रतिशत से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी और सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार और मुख्य लक्ष्य था दोस्तों भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसका चकबंदी करना अनिवार्य था। दोस्तों, भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई और 1960-1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई दोस्तों, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़ और चक्रवात और आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दाम पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। दोस्तों, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PMIS की शुरुआत हुई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार घोषणा करती थी। क्रियाकलाप देखिए, किसान पोर्टल वेबसाइट, कृषि एवं बागवानी और कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करें, पोर्टल से देख सकते हैं। दोस्तों, भूदान आंदोलन देखिए, VVI चैप्टर है दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने अपने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब आंध्र प्रदेश के एक गांव में पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई भी वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो
वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया दोस्तों। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया दोस्तों। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांव के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया दोस्तों। ये पॉइंट जितना बताया गया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार इस पॉइंट से क्वेश्चन लिया जाता है। चलिए आपका अभ्यास चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। आपका चैप्टर क्लोज हो गया किसान पे दोस्तों। कृषि पे आज का चैप्टर क्लोज हो गया एनसीईआरटी 10th का। कृषि में प्रयोग की नवीन तकनीकी देखिए दोस्तों। इधर जुताई ट्रैक्टर से हो रहा है दोस्तों, बीज भी लग रहा है, ये भी देखिए। चलिए दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए और चैप्टर क्लोज कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्तों, तो रोपण कृषि। कौन सा है रोपण कृषि दोस्तों? चलिए देखिए कौन रबी फसल है दोस्तों। रबी फसल आपका चना है दोस्तों, और ये सब आपका खरीफ फसल है दोस्तों। जो दिया गया ये खरीफ फसल है। तीसरा देखिए कौन सा फलीदार फसल है दोस्तों। फलीदार फसल जो है वो आपका दाल है दोस्तों। कौन सा दाल है दोस्तों फलीदार फसल है? ये सब आपका फलीदार फसल नहीं है दोस्तों। चलिए उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव लिखना है दोस्तों। थ्योरी में लिखने का दिया गया है एनसीईआरटी में, आप लोग इसे देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो चैप्टर शुरू है होगा दोस्तों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 है आपका 10th का दोस्तों। आगे पार्ट में इस वीडियो को लाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।